माता का मंदिर वगैरह, माता क्या, ये तो मॉस्क है, तो यहाँ कोई बैठता होगा मौलवी वगैरह। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो निकल पड़ा हूँ फ्रेश होके, 5-6 मिनट का, हम 8 बज रहे हैं। तो भाई देख लो, पूरा बादल छाया हुआ है ऊपर आसमान में और फॉग लगी हुई है और बारिश आने की संभावना है। कल भी बूंदाबांदी हो रही थी और आज भी संभावना है। तो जी बस अब आगे चलेंगे, वही अपना रहेगा। तो जस्ट पंप के बगल में ही होटल था, तो यहाँ पे नाश्ता करने के लिए आए हैं। नाश्ता तो बना नहीं है, बस वही चाय नाश्ता, चाय वगैरह होगा, चाय स्नैक्स वही कर लेते हैं। ये देखो कर लेते हैं, निकल गए हैं जी चाय पी के स्नैक्स करके। तो करते हैं राइड को शुरू, लेके प्रभु का नाम। जय श्री कृष्णा, राधे 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 राधे। नाश्ता आ गया, वही जो यहाँ पे मिलता है, इसके अलावा कुछ मिलता ही नहीं भाई। और ये पूड़ी क्या करे भाई, मजबूरी हो चुकी है खाना। जब तक वेस्ट बंगाल में हूँ, अब आसाम आसाम पहुँचूँगा तो तभी मिलेगा दूसरा कुछ खाना। अब क्या कर सकते हैं, खाना भी जरूरी है। एक घंटा हो गया, धूप भी निकल गई है, तो आ गया हूँ टी ब्रेक लेने के लिए। थोड़ा टी ब्रेक तो बनता ही है यार, दिन भर में पहले 5-6 कप पीता था, आजकल सिर्फ 2 या 3 कप ही पीता हूँ, ज़्यादा नहीं पीता हूँ। तो चाय बोल दिया, ये आ गई अपनी चाय, स्मॉल कप ऑफ टी। हाँ थोड़ा धूप ले और फिर चले। सुबह से चला लिया मैंने 22 किलोमीटर। जैसे हाईवे से आ रहा था, हाईवे से 200 मीटर अंदर एक हिस्टोरिकल प्लेस है, किला वगैरह। तो चलो, काफ़ी दिन से रोड वोड दिखा के आपको बोर किया होगा, तो आज नई चीज़ देखते हैं। तो साइकिल मैंने यहीं लगा दी है, पार्किंग कर दी है, तो यहाँ से चलते हैं। तो अंदर लेके जाना मना है ना, ये खाने के लिए आके खाएंगे फिर। यार अच्छे से बना के देंगे, क्या चक्कर है यार। तो ऐसा कुछ भी नहीं खा सकते, कुछ नहीं। वो क्यों गंदा कर देता है, सब अंदर फेंक देता है पैकेट। अच्छा अच्छा, इसलिए डस्टबिन में नहीं फेंकता है। अच्छा, तो ऐसा कुछ है जी। बाकी दुकान वकान है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। तो टिकट विकट तो लगता नहीं, लेकिन बंगाली में लिखा हुआ ये अदीना मॉस्क फॉर जामी मस्जिद। अच्छा, 1364 और 1374 AD में बना था ये, और ये है मस्जिद। तो काफ़ी बहुत बड़ा है ये, देखते हैं कैसा कैसा क्या है। फिर आके साइकिल पार्क की है, वो देख रहा है बेचारा, तो 10-20 रुपए का खा लेंगे अमरूद वगैरह। बाप रे, नीचे के पत्थर तो सही सलामत है, ऊपर के जो ईंट वगैरह थे वो ख़त्म हो रहे हैं आस्ते आस्ते। फिर भी यार 700 साल चलना भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। ये पार्क है, फूल पत्तियां तोड़ना मना है, तो ऐसा कुछ है भाई। ये एंट्रेंस है, वाह। ओ ये क्या है, किसी की कब्र होगी। वाह, तो ये क्या, माता का मंदिर वगैरह, माता क्या, ये तो मॉस्क है, तो यहाँ कोई बैठता होगा मौलवी वगैरह। देखो भाई काफ़ी बड़ा है यार। चलो जी, यहाँ पे फोटो शूट भी चल रहा है, क्या बात है, अमेजिंग। तो जी यहाँ पे सुंदर सुंदर लड़कियाँ आई हैं, फोटो शूट चल रहा है, और पीछे रास्ते में मुझे लोग मिले थे तो वो यहाँ पे आए हैं। तो पीछे सारे लोग मिले थे फैमिली के साथ, तो वो लोग घूमने के लिए आए। यहीं के लिए बोल रहे थे क्या आप? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, क्या जगह का नाम क्या है? अदीना। अदीना, ठीक है ठीक। ये क्या मस्जिद वगैरह थी क्या पहले? हाँ, अदीना मस्जिद था। ठीक है ठीक। तो ये सर लोग मिले थे मुझे अभी थोड़ी देर पहले, अपनी फैमिली के साथ आए घूमने के लिए। हेलो। तो ऐसा कुछ है, बच्चे लोग कहाँ गए आपके? बच्चे लोग उधर है। बच्चा इधर आ जाओ। बच्चे लोग चले गए उधर खेलने के लिए, तो फैमिली वाले ये है। या क्या नाम है तेरा? ए, ए, नाम्बर। 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 नाम्बर।
नाम बोल, नाम बोल, तुम्हारा नाम? शुभ सुमित्रा राय। शुभ सुमित्रा राय। सुमित्रा राय। शुभ सुमित्रा। शुभ सुमित्रा। वेरी गुड। देखो चंकी, नाम देवो सुमित्रा रॉय। शुभ सुमित्रा राय। ओके ओके, भालो दारून डांस करते हो? डांस करते हैं, करके बताओ। गान लगी दिच्छी तो क्या? ये मुंह से गा के बताओ, इसमें वो नहीं। देखा जी, वाओ वाओ, अमेजिंग, क्या बात है। वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सो गुड सो गुड। क्या बात है, क्या बात। दोस्त शुभ सुमित्रा दोस्त, शुभ सुमित्रा रॉय। हाँ, तुम्हें भालो नाचे, भालो नाची छी, ठीक है? सही बोला मैं? नहीं बोला सही? ओ यार, बोलता सही नहीं बोला। अब मुझे इतना आता ही नहीं है, सीख रहा हूँ मैं भी बंगाली। हम ही बंगाली सीख से, ये सही बोला? हम ही बंगाली सीख से, सही बोला? नहीं बोला? मैं तो बंगाली बोलता हूँ, तुम हिंदी बोलता है। तुम बंगाली बोलता है, हम हिंदी बोलता है। हाँ, तुम ही बंगाली बोले छे, हम हिंदी बोले छे, ऐसा? नहीं, नहीं। कैसे कैसे बोलते हैं बताओ, मेरे को सिखाओ। देखो भाई, छोटे छोटे बच्चियाँ, मैं जानती नहीं, इतना अच्छा तो जानती है, इतना अच्छा तो बोल रही है। जाओ तुम लोग जाओ। देखो भाई, बच्चों लोग के साथ मज़ा ही आता है। ये क्या चीज़ है भाई? डोम होगा कोई? डोम शुभ डोम तो नहीं है यार, क्या है, क्या ये कुछ तो है, चलो जो भी है, लेकिन है बढ़िया बहुत। ऊपर क्या है भाई? ग्रेट। तो जी, घूम लिया, हो गया मेला ख़त्म, बस इतना ही सा था। तो चलते हैं, भाई को बोलते हैं बना दे। भाई बना दो यार, कितने का बनाते हो? 15 रुपये 100 ग्राम। बना दो 15 का, ऑनलाइन हो जाएगा ना? हाँ जी, हाँ कर दो। एक गुब्बारा देते हैं, कितना होता है देख लो यार, किलो के हिसाब से बनाते हैं लोग। 20 का बना दो यार, 20 का बना दो। और वाह यार, अमेजिंग, ऐसा फ्रू चार्ज नहीं खाया कभी यार। मजा सरसों की चटनी। एक ये रेस्टोरेंट वाले भैया थे, जिनका ये रेस्टोरेंट है शायद, तो ये कल के लिए सजाया था, बहुत ज़बरदस्त है भाई। तो इन्होंने मुझे आवाज़ मार के बुलाया, बोला आओ भैया चाय पानी पी लो। तो आया था मैं, तो ये देखो रेस्टोरेंट ऐसा कुछ है, ये तो बहुत ज़बरदस्त बनाया है, रात के टाइम बहुत अच्छा लगता होगा। तो ये वो सर है, तो सर आपका रेस्टोरेंट है ये? अच्छा आपका है। हाँ। क्या नाम है आपका? शत्रुजीत विश्वास। तो ये अभी नया नया खोला है, टाइम हो गया? 8-9 महीने हो गया। अच्छा, 8-9 महीना हो गया, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो ऐसा कुछ है, देखो जी, तो क्या क्या रखते हो इसमें आप? हम तो खाना रेस्टोरेंट स्टाइल है ये। अच्छा, स्नैक्स वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह सारा कुछ? ड्रिंक्स वगैरह सारा। ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। फैमिली आते हैं इधर बहुत। अच्छा, कल रात 2 बजे तक। हाँ, कल तो वैलेंटाइंस डे था, तो कल तो कपल वपल सारे कुछ आए। बैठने बैठने का कहाँ है? पीछे है क्या? चलो आपको थोड़ा वो दिखा देता हूँ और कैसा है। ओ वाओ, तो ऐसा कुछ बनाया आपने, है बहुत बढ़िया, ये सरप्राइज है। ठीक है ठीक है, तभी सामने से कुछ दिख नहीं रहा था, तो ये बैक साइड में इनके बनाया हुआ, जो कि देख सकते हो भाई, बहुत ज़बरदस्त। अपने कपल वगैरह, फैमिली वगैरह आप आ सकते हो एकदम पर्सनल, तो 5 से 6 बंदे आदमी आराम से बैठ सकते हैं। तो ऐसा कुछ है भाई,
देख सकते हो गार्डन वार्डन बनाया हुआ भैया ने। तो अगर किसी ने ओपन में बैठना हो तो ओपन में बैठ सकता है, तो अदरवाइज तो ये हट टाइप का बनाया ही है, यहाँ पे भी बैठ ही सकता है। तो भैया आपके होटल का दिखा दिया आपको सारा, तो सर ने खाने पीने के लिए ऑफर किया, बट मैं अभी खाना नहीं है, सिर्फ चाय पीनी है, तो ब्लैक टी बनवा रहा हूँ। तो ऐसा है भाई, रास्ते से जब आओगे गुजरोगे यहाँ से तो देख लेना, एक बार फिर से बताना होटल का नाम। होटल का नाम पीज एंड स्नैक्स। पीज टीज एंड स्नैक्स। टीज एंड स्नैक्स। तो भाई टीज एंड स्नैक्स ऐसा है, देख लो सामने ये होगा, ये निशानी है, तो गुजरोगे तो आ जाना भाई के पास यहाँ पे इंजॉय करना। तो हम भी कॉफ़ी अपना चाय पीते हैं फिर निकलते हैं। ठीक है, अपनी ब्लैक टी तो ये ला दी भाई ने। भाई क्या नाम है आपका? सौरभ सरकार। सौरभ सरकार, ओके बढ़िया, थैंक यू। तो ये क्या लेमन टी बनाया ना आपने? नहीं, अच्छा नॉर्मल नॉर्मल दार्जिलिंग। अच्छा, तभी कलर वैसे आ रहा है, मुझे लगा। तो ये दार्जिलिंग टी है, देखो बहुत ज़बरदस्त पी के बताते हैं कैसी है। बहुत बढ़िया भाई, सौरभ भाई बहुत बढ़िया, मज़ा आया, वाह एकदम मेरी फेवरेट। मीठा कम बोला था, कम बनाया, एकदम कड़क ज़बरदस्त। तो निकल पड़ा हूँ जी चाय वगैरह पी के। तो ऐसा कुछ है जी, काफ़ी खा पी लिया, तो चलें आगे, अभी रेस्ट करेंगे। पौने दो हो गया आज यार, तो 50 किलोमीटर चलाया नहीं, तो अभी तक मैं 60-70 मार देता था, 70 किलोमीटर चला ही लेता था, आज कम है 55 है। चलो देखते हैं क्या होता है, शाम तक तो 100 किलोमीटर चलाए। तो जी मैं पहुँच चुका हूँ रायगंज, और यहाँ से सिलीगुड़ी है 175 किलोमीटर, जो कि परसों मैं पहुँच जाऊँगा। और रुकने का जगह हो गया था बड़ी मुश्किल से, सिटी से थोड़ा आगे जाकर। तो अपना चल रहा है डिनर, चाय और बिस्किट, क्योंकि मैं लेट खाना खा रहा हूँ, 3:30 बजे खाया था मैंने, इसलिए डिनर आजकल मैं करता नहीं, तो हल्का करता हूँ, चाय और बिस्किट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।